मेघालय के रुनीजा में एनटीपीसी द्वारा स्थापित 250 मेगावाट मंदसौर सोलर परियोजना के अंतर्गत रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा स्थानीय विकास निधि वितरण समारोह किया गया। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा कुटीर ग्रामोद्योग मंत्री हर्ष यादव ने एनटीपीसी सोलर प्लांट के सीएसआर मद से 2.5 करोड़ का चेक कलेक्टर को दिया। रुनीजा मांगलिक भवन, देवपुरा नागर, आंगनवाड़ी भवन एवं रुनीजा पुलिया का लोकार्पण किया। कुटीर एवं ग्रामोद्योग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री हर्ष यादव ने रुनीजा दौरे पर आकर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक हरदीप सिंह डंग के साथ मिलकर एनटीपीसी प्लांट का सीएसआर मद से 2.5 करोड़ का चेक कलेक्टर को प्रदान किया। इस अवसर पर मंत्री श्री हर्ष यादव द्वारा कहा गया कि इस प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, रोजगार के लिए बाहरी प्रांत से लोगों को आमंत्रित ना करें, रोजगार में स्थानीय लोगों को पहले प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग से मिलने वाली पेंशन, जो कि पहले 300 रुपए प्रति माह थी, उसको बढ़ाकर 600 रुपए प्रति माह कर दिया गया। आगामी 1 अप्रैल से इसको बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से पेंशन 1000 रुपए प्रति माह मिलेगी। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, यह राजनीतिक मंच नहीं है। हर्ष यादव मंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात बहुत जल्द से मिलने वाली एवं इस क्षेत्र के वासियों को पेयजल योजना के तहत अति शीघ्र पानी की सुविधा मिलने वाली है। हरदीप सिंह डंग, विधायक सुवावसरा, ने यहाँ के लोगों को एनटीपीसी सोलर प्लांट पर रोजगार मिले इसके लिए बोला है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए लगातार मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है, पुरजोर कोशिश की जा रही है। देखिए मंदसौर से अमर वर्मा की यह खास रिपोर्ट। जी ने कहा, डीजी ने कहा, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले, ये भी बहुत जल्दी सौगात आपको मिलेगी। साथ साथ पेयजल की जो बात हमारे साथियों ने कहा है कि चंबल से हमारे क्षेत्र में पानी मिले, ये भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकतर गांव इस पेयजल योजना के माध्यम से जुड़े। सोलर प्लांट क्षेत्र की जमीन गई है, कहीं ना कहीं उनके यहाँ पर पशु चढ़ते थे, आज उनको कहीं ना कहीं बेचना पड़ा है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, ये मांग की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी यहाँ पे ये लगातार मांग की जा रही है, ये मुख्यमंत्री जी को मांग करी है, आदरणीय मंत्री जी के सामने मांग रखी है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसकी और तगड़ी मांग करके इसको हम लाएगी पूरी हिम्मत से और ताकत से, इसको काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।